नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंफोरिस में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये जो बाइक है ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो इसका जो फाइनल लुक है वो आ चुका है लॉन्च होने से पहले, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरीके की वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इसका जो लुक है इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले भी आपको और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो बाइक है इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग भी आ चुका है, और उसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। पर हम इतना ज़रूर बता दे रहे हैं कि ये जो बाइक है ये सबसे सस्ती बाइक होगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और यहाँ तक कि जो बुलेट है उससे भी काफ़ी सस्ती है ये बाइक। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में। लुक में आपको सबसे पहले एक राउंड शेप की हेडलैम्प देखने को मिल जाती है बाकी रॉयल एनफील्ड बाइक्स की तरह, और इसमें भी आपको कोई भी एलईडी सेटअप देखने को नहीं मिलती है। हाँ, हमने पहले बताया था कि इसमें आपको एलईडी सेटअप देखने को मिल सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी का जो अपडेट है इसमें आपको बल्ब भी सेटअप देखने को मिल जाती है बाकी रॉयल एनफील्ड बाइक्स की तरह, और राउंड शेप की इसमें आपको टेल लाइट और इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है, उसमें भी आपको बल्ब भी देखने को मिलेगी। साथ ही इस बाइक में आपको एक नए किस्म का फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाती है टैंक ग्रिप के साथ, मतलब कि टैंक ग्रिप जो है दोस्तों वो आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, इस बाइक का जो बहुत सारा पार्ट्स है वो मीटियोर 350 से लिया गया है, तो इस बाइक में भी आपको मीटियोर 350 की तरह ही वाई शेप अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगी। बाकी एक नए किस्म का सिंगल पीस सीट, हैंडल बार जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फ्लैट होगी इस बाइक की, स्टिकी टायर्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगी, और एक नए किस्म का मडगार्ड भी इस बाइक में इस्तेमाल हुआ है, और हाँ जो ग्रैब रेल्स है वो भी नए किस्म का दिया गया है। बाकी सस्पेंशन में आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलती है इस बाइक में, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाती है। फ्रंट की जो टेलीस्कोपिक है दोस्तों सस्पेंशन, उसके दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएगी। टायर साइज जो है दोस्तों उसके बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, पर हाँ व्हील साइज जो है वो आपको छोटी देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी में आपको सिंगल डिस्क सिंगल चैनली बेस देखने को मिल जाती है, मतलब कि पीछे का जो ब्रेक है वहाँ पे आपको ड्रम सेटअप देखने को मिल जाएगी, और ये जाहिर है दोस्तों क्योंकि ये सबसे सस्ती बाइक है रॉयल एनफील्ड की, तो पीछे का जो ब्रेक है वो उसमें आपको ड्रम ही देखने को मिलेगी। पर हाँ और एक जो वेरियंट है इसका आ सकता है जिसमें आपको डुअल डिस्क डुअल चैनली बेस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस बाइक की रीढ़ की जो हड्डी है यानी कि जो चैसी है उसमें आपको डुअल क्रेडल चैसी देखने को मिल जाएगी, और ओवरऑल अगर सीट हाइट की बात किया जाए तो ये जो शॉर्ट हाइट राइडर्स है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इंजन की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको रॉयल एनफील्ड की नए ज़माने का जे सीरीज इंजन इस्तेमाल होते हुए दिख जाएगी, यानी कि 350cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रोड्यूस करेगी 20.1 ब्रेक हॉर्स पावर और 27 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क। तो दोस्तों आखिर में अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है उसके बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये जो बाइक है ये रॉयल एनफील्ड का सबसे सस्ती बाइक होगी, बुलेट से भी सस्ती, तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो है 1,30,000 एक शोरूम दिल्ली का, और दोस्तों ये जो बाइक है ये बुलेट से करीब करीब 10,000 रुपया कम होगा। और दोस्तों अगर इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस बाइक की जो लॉन्च डेट है उसको थोड़ी सी डिले किया गया है। हमने बोला था कि इसी महीने ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, पर अभी का जो अपडेट निकल के आया है उसके हिसाब से ये बाइक आपको अगस्त की पहले हफ्ते तक मार्केट में आते हुए दिख जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है दोस्तों, अगर कुछ और जानकारी आती है इस बाइक के बारे में तो हमारी फेसबुक और इंस्टा पे अपडेट ज़रूर आएगा। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ ही चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन साइनिंग ऑफ।